नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज वसीविरार महानगर पालिका मुख्यालय में ऐसा कुछ हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जो ऐसा हुआ है, इसके पहले भी ऐसे ही हालात और मामले हो चुके हैं। दरअसल आज आप विजुअल्स में आगे देख चुके हैं किस तरह से अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। दरअसल मामला था आगरी सेना महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल वसईविरार महानगर पालिका पहुंचे और वहां अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाड़े से उन्होंने मिलने की कोशिश की। तब संजय हेरवाड़े ने उनको समय नहीं दिया और उस कारण उनका पारा चढ़ गया और आगरी सेना के उपाध्यक्ष जबरदस्ती उनके कैबिन में घुसे। वहां जो हुआ वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों ही पक्षों में तीखी बहस हो गई। ये दोनों ही पक्ष पढ़े लिखे सुशिक्षित वर्ग है, एक तरफ अधिकारी वर्ग है, तो एक तरफ दूसरी तरफ राजनीतिक लोग है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह से पूरा माहौल हुआ और इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन यह मामला क्यों हुआ, ये बात अगर सोचने जाए या कौन गलत कौन सही, ये हम तय नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ उसका विश्लेषण करने की कोशिश करें तो इस मामले में दोनों ही पक्ष ना सही है ना ही दोनों ही पक्ष गलत है, क्योंकि दोनों ही पक्ष दोनों चीजों में बराबर है। अधिकारी वर्ग जो है वो पब्लिक की, जनता की इस समय सुन नहीं रहा है। कहीं ना कहीं इसी वजह से जनता में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है और जनता का आक्रोश इस तरह से प्रदर्शित करना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो आज हुआ वो अगर सही नहीं था तो गलत नहीं था, ऐसा भी कैसे कह पाएंगे। क्योंकि जब जब अधिकारी अगर मुंहजोरी करेंगे तो इस तरह से जनता या जनता के प्रतिनिधि है वो उग्र हो ही जाएंगे। आप सभी जानते हैं इससे पहले भी, कुछ दिनों पहले भी ऐसी ही घटना वसईविरार महानगर पालिका में हो गई, जब आगरी सेना के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष ही कैलाश पाटिल वहां पहुंचे थे और आयुक्त से मिलने गए थे। तब यही संजय हरवाड़े थे, उनकी बीच तीखी बहस हो गई थी। हमने वो पिछले एक वीडियो में वो बयान वो पूरी घटना चलाई भी थी, जिसके बाद आज ये दोबारा नौबत आई। अब इस घटना के बाद एक और चीज सामने आई है, वो ये है कि पिछले साल 15 अगस्त के दिन जनता दरबार के समय वसई विधायक हितेंद्र ठाकुर ने महानगर पालिका आयुक्त को खरी खोरी सुनाई थी और वो जो विषय है वो काफी गरमाया था। उस समय संपूर्ण विपक्ष एक साथ आया, उसमें आगरी सेना भी मुख्य तौर पर एक साथ में थी और सभी ने ये मांग उठाई कि वसई विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। उस पूरे मामले पर वसई विधायक हितेंद्र ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा भी था कि काफी समय से ये अधिकारी लोग पब्लिक को गुमराह कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने वो बात कही। अगर अधिकारी लोग पब्लिक को गुमराह नहीं करते, उनके सवालों के बराबर से जवाब देते तो ये नौबत नहीं आती। खैर, वो मामला काफी गरमाया था, लेकिन आज का जो मामला है वहां पर आगरी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष भी इसी तरह से बिहेव कर रहे जो कि नहीं किया जाना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि क्या अब कोई यह मांग करता है कि आगरी सेना के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्यवाही की जाती है, तो क्या आगरी सेना उस कार्यवाही के झेलने के मूड में है, क्या वो कार्यवाही झेलने को तैयार है। खैर, कोई कंप्लेन करे ना करे वो दूसरी बात है, लेकिन हम बात करते हैं अब ये नौबत क्यों आती है। अभी कुछ दिनों पहले भी आगरी सेना के इन्हीं कैलाश पाटिल ने नगर रचना के जो डायरेक्टर है उनके खिलाफ भी कुछ इसी तरह का प्रदर्शन किया था, जो भी काफी चर्चा में रहा था और उसको उसके बाद भी कहीं ना कहीं महानगर पालिका अंतर्गत आगरी सेना की चर्चा अलग तौर पर हो रही थी। अब सवाल यह है कि ये मामला, इस तरह के मामले क्यों होते हैं। तो इस तरह के मामले, जैसे हमने कहा, अधिकारी वर्ग है वो इस समय अपनी मुंहजोरी कर रहा है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। 2020 जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद से प्रशासकीय राज में
यहां न तो सत्ता पक्ष न ही विपक्ष किसी की सुनी नहीं जाती है, अधिकारी लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। एक और विषय यहां पर है कि कुछ अधिकारी लोग वैसे भी ऐसे चिपके हुए हैं कि जैसे कुर्सी को उन्होंने गोंद लगा लिया हो या फेविकोल से चिपकाया हुआ हो, या कि अगर वो यहां से जाते भी है तो भी पलटकर यहीं पर आते हैं। उन अधिकारियों में यही संजय अहिरवाड़े जो 2018-19 में यहां थे, इनकी कोविड के समय बदली हुई और फिर ये बदली लेकर यहां आ गए इसी अतिरिक्त आयुक्त के पद पर। ऐसे ही एक और अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाले हैं, उनकी भी बदली हुई मंत्रालय में, फिर बदली लेकर यहां आकर बैठे हुए हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है, क्या इन अधिकारियों को इतना वसई विरार से लगाव क्यों? और अगर वसई विरार से लगाव है तो जनता का काम करने से गुरेज क्यों? और भी ऐसे नाम है, नगर रचना के डायरेक्टर जिनका हमने जिक्र किया, उनके खिलाफ कुछ मामला हुआ था, निलंबन हुआ था, उसके बाद वो भी अपनी जगह पर वहां पर बैठे हुए हैं। और भी नाम है, किशोर गवस, वो भी कई साल तक यहां रहकर गए, अब हालांकि उनका आज की तारीख में उनकी बदली हो चुकी, वो नहीं है। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो आयुक्त अनिल पंवार, जिनको भी काफी समय यहां हो गया, और आयुक्त जब प्रमोट हुए तो प्रमोट आईएएस में उनका प्रमोशन हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं शासकीय नियम के हिसाब से आयुक्त को यहां से दूसरे जिले में जाना चाहिए था, लेकिन आयुक्त भी यहीं पर जमे हुए, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। अधिकारी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है और साथ ही साथ पब्लिक का काम करने को भी तैयार नहीं है, यही बात पब्लिक को आज खटक रही है। अब अंत में बात करें कि यह सब मामला हुआ उसका क्या, तो आज शाम को महानगर पालिका के सभी अधिकारी कर्मचारी उन्होंने इस मामले पर एक मीटिंग की, सभा की, जाहिर सभा, और उसमें निषेध व्यक्त करते हुए यह प्रस्ताव पारित किया कि सोमवार को अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर ये लोग निषेध व्यक्त करेंगे इस घटना का और इस घटना को लेकर अपना आक्रोश, क्योंकि अधिकारी ये प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं तो हाथ पर काली पट्टी बांधकर करेंगे, ऐसा बकायदा प्रेस नोट भी महानगर पालिका से जारी किया गया। तो हम ये आपको घटना दिखा रहे थे, दोपहर की खबर कैसी लगी आपको हमें कमेंट में जरूर बताएं, खबर पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।